चिराग पासवान भारतीय राजनीति के सबसे बड़े उभरते सितारों में से एक हो गए साथियों। चिराग पासवान 2020 विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, लेकिन चिराग पासवान पूरी तरीके से पराजित रहते हैं साथियों। लेकिन उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी टूटती है। पार्टी टूटने के बाद चिराग पासवान के लिए लगातार संघर्षों वाला साल बीता साथियों। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिए। लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान के पास जो 5 सांसद टूटे थे, कहीं ना कहीं चिराग पासवान 2024 लोकसभा चुनाव में 5 सांसद एक बार पुनः जिता लिए साथियों। चिराग पासवान भारत सरकार में मंत्रिपरिषद स्वयं मंत्री भी हैं, लेकिन चिराग पासवान उसके बाद आने वाले विधानसभा चुनाव देश के विभिन्न राज्यों में मजबूती के तहत चिराग पासवान लड़ने की तैयारी में साथियों। चिराग पासवान का पदार्पण उत्तर प्रदेश में, झारखंड में पूरी तरीके से मजबूती के साथ भी हो गया है। लेकिन चिराग पासवान आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चिराग पासवान का तैयारी बहुत मजबूती से चल रहा है। बिहार में चिराग पासवान का संगठन काफी मजबूत है। उसी को देखते हुए चिराग पासवान सेम कहीं ना कहीं झारखंड विधानसभा चुनाव में एंट्री करेंगे। चिराग पासवान का झारखंड में करीब 2-3 कार्यक्रम भी हो चुके हैं। उस कार्यक्रम में वो भीड़ व्या कर रहे थे कि चिराग पासवान देश के दलित लीडरों में से सबसे नंबर 1 पे जा रहे हैं। चिराग पासवान का उत्तर प्रदेश में पदार्पण हुआ, इसमें झारखंड में हुआ, लेकिन चिराग पासवान जिस तरीके से जहां जा रहे हैं, एक बड़ा विशाल जनसैलाब चिराग पासवान के सभा में उपस्थित हो रहा है साथियों। चिराग पासवान देश के दलित नेताओं में से सबसे बड़े लीडर के तौर पर अपने आप कहीं ना कहीं साबित करते हुए जा रहे हैं साथियों। चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं। रामविलास पासवान देश के सबसे बड़े दलित नेताओं में से एक साथियों। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में एक सफलता बड़ी हासिल करने के बाद चिराग पासवान आने वाले देश भर के विभिन्न प्रदेशों के विधानसभा चुनाव लड़ेंगे साथियों। चिराग पासवान दलित वोटरों को किस तरीके से कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अपने पाले में करने के लिए लगे हुए हैं। और आने वाले समय में चिराग पासवान बताए हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को स्थापित करने वाले चुनाव होंगे साथियों। लेकिन चिराग पासवान का एक बयान भी आया था अपने समाज को लेकर, जिस तरीके से दलित समाज की पॉलिटिक्स करते हैं चिराग पासवान, और खास करके बिहार और बिहारियों के भी चिराग पासवान पॉलिटिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो देखते हैं क्या होता है कि चिराग पासवान किस तरीके से बिहार फर्स्ट वेरी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट के तहत बिहार का चुनाव, झारखंड के, उत्तर प्रदेश के चुनाव, अलग अलग विजन पे चिराग पासवान लड़ने की तैयारी में। तो अभी के लिए इतना ही। मैक्स पासवान, जय हिंद जय बिहार।